Hello guys, how are you? This is Pars Shukla in front of you and welcome guys on my beautiful YouTube channel Royal Pars Vlog. Guys, आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं VIT Villore के बारे में. तो जो भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं VIT के एक कंप्लीट रिव्यू के बारे में, तो मैं अपनी इस सिंगल वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है, वहाँ पे कौन सी स्कॉलरशिप मिलने वाली है. सारी चीज़ों को मैं इस सिंगल वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं. तो आज हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस कॉलेज क्या प्रोज है, क्या कौन से हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन सक्सेसफुल एलुमनाई बने हैं, कोर्सेज, उनके फीस स्ट्रक्चर, बिल्कुल डिटेल्ड मैं डिस्कस करूंगा. लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले मुझे पता है कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा. तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एटलीस्ट. और मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि कौन से स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्टेड है VIT Villore में एडमिशन लेने के लिए. सो इसके बाद मैं बहुत ही मोस्टली अब मैंने कॉलेज कवर कर लिए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो अगर आपके टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आप चेकआउट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा. एंड आपको ये वीडियो कैसे लगती है एट द एंड मुझे ज़रूर ही बताइएगा. तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं. सो ही वेलकम गाइस, और वेलकम है आपका हमारे इस प्यारी से ब्यूटीफुल कंप्यूटर की स्क्रीन पर. आज हम यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं VIT Villore के बारे में, तो हम पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे जिससे आप थोड़ा मोटिवेट होंगे. तो ये है VIT Villore की कैंपस की पिक्चर. बहुत ही लग्जरी कैंपस हमें देखने को मिलता है क्योंकि फीस भी बहुत ही ज्यादा हाई है यहाँ पे. और ये सेकेंड पिक्चर हमें देखने को मिलेगी. देन ये हमें थर्ड पिक्चर देखने को मिलेगी. तो कैंपस बहुत ही प्यारा है, जैसे कि फीस मैंने आपको बताया, तो कैंपस बहुत अच्छा है यहाँ का. अब हम फाइनली जा रहे हैं डिस्कस करने एस्टेब्लिशमेंट की. तो यहाँ पे छोटी सी हम बिल्कुल एक मिनी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये VIT Villore कहाँ एस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको बता चुके हैं. यहाँ पे नहीं होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में सारी चीजें मेंशन कर दूंगा कि एग्जैक्टली ये लोकेशन है कहाँ VIT Villore की. तो 1984 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. अगर इसकी रैंकिंग की बात करें, NNF 2024 रैंक्ड की बात करें तो यहाँ पे 8th अमंग यूनिवर्सिटीज इन इंडिया है. NAC की बात करें, यहाँ पे एग्रीगेटेड विद द हाईएस्ट ग्रेड A++ इन 2021 में इसको मिला था. QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अकॉर्डिंग बात करें तो रैंक्ड है 851 टू 900 ग्लोबली इसकी रैंकिंग है. तो रैंकिंग के मामले में तो बहुत ही अच्छा साउथ का ये कॉलेज है. ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े कैंपस एरिया की बात करें तो 372 एकर्स यहाँ पे कैंपस एरिया आपको देखने को मिल जाता है. 30,000 अप्रॉक्स स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे मोस्टली, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मल्टीपल सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ कैंपस ही इतना बड़ा है तो यहाँ के स्टूडेंट कितने ज्यादा होंगे, मल्टीपल कोर्सेज होंगे और एक कोर्स में बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं. अब बात करने जा रहे हैं कनेक्टिविटी के बारे में. इफ यू वॉन्ट टू गो टू द VIT Villore देन हाउ कैन यू रीच देयर. There is a two ways generally, common ways by airport or via railway station. So, अगर आप यहाँ पे via airport जाते हैं तो nearest airport आपको मिलेगा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अप्रॉक्स 130 किलोमीटर फ्रॉम VIT Villore से है. फ्रॉम एयरपोर्ट अगर आप जाते हैं, यू कैन टेक अ टैक्सी और अ ऑटो रिक्शा टू द सेंट्रल रेलवे स्टेशन और अ कोयम बैडू बस स्टैंड इन चेन्नई. और ये एक वे है जाने का अगर वहां से एयरपोर्ट से, फिर आप अपना कोई भी कन्वेंस करके इजिली जा सकते हैं. रेलवे स्टेशन से अगर आप पहुंचते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको कटपड़ी जंक्शन अप्रॉक्स 3 किलोमीटर फ्रॉम VIT Villore है, यहाँ आपको पहुंचना पड़ेगा. और यहाँ पे कटपड़ी से यू कैन टेक एनी ऑटो रिक्शा और टैक्सी टू रीच VIT Villore कैंपस. ये बहुत ही अच्छा वे है कि आप वहां पे इजिली पहुंच सकते हैं. नहीं पता तो कमेंट बॉक्स करिए, इतना कुछ आप पहुंचना कैंपस रीच करना बहुत ही बड़ी बात नहीं है, आप इजिली पहुंच सकते हैं. लेकिन छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारे जानने लिए मैंडेटरी थी. तो आप बात करने जा रहे हैं कोर्सेज के साथ में उनकी फीस स्ट्रक्चर की भी. तो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहा हूं, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं फी रेंजेस फ्रॉम 1,73,000 टू 1,95,000 पर एनम आपको फीस यहाँ पे ईयरली देखने को मिल सकती है, डिपेंडिंग अकॉर्डिंग द स्पेशलाइजेशन. बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना चाहते हैं फीस अप्रॉक्सीमेटली 1,73,000 पर एनम यहाँ आपको देखने को मिलेगी. BDS करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए तो फी पर एनम अराउंड 1,73,000 आपको देखने को मिलेगी.
बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट से अगर आप करना चाहते हैं फ्री अप्रॉक्सीमेटली आपको 1,73,000 पर एनम, इसकी भी फीस आपको देखने को मिलेगी। बीसीए करना चाहते हैं तो ये भी सेम फीस पर एनम आपको देखने को मिलेगी। बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं ये भी फीस आपको सेम आपको देखने को मिलेगी। और बीकॉम अगर यहाँ पे आपसे बीकॉम करना चाहते हैं तो फीस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सबकी फीस यहाँ पे आपको अप्रॉक्स सेम देखने को मिल रही है रिलेटेड टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप करना चाहते हैं तो एमटेक के लिए 60,000 से 3,00,000 रुपए पर ईयर डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन है। एमबीए करना चाहते हैं 3,51,500 रुपए फॉर द फर्स्ट ईयर फीस है। एमसीए करना चाहते हैं अराउंड 60,000 to 3,02,000 पर एनम तक फीस आपको देखने को मिल सकती है। डॉक्टर प्रोग्राम जस्ट लाइक अ पीएचडी फीस अप्रॉक्सीमेटली 43,000 पर एनम फॉर अ फुल टाइम कैंडिडेट, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकती है। तो वीआईटी विल्लोरी की जो भी फीस है बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट है, ये ओनली ये आपकी ट्यूशन फीस है, अभी मैंने मैथ फीस वगैरह इन सबकी तो बात ही नहीं करी है। हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देख पाए तो अकॉर्डिंग टू आप कैसे ले सकते हैं, कैसे कंफर्टेबल के लेते हैं, तो उस हिसाब से डिपेंड होकर के आपको यहाँ पर कि आपको फीस वगैरह देखने को मिलेगी। हॉस्टल वगैरह के रूम टाइप जिस लाइक 1 AC आप लेना चाहते हैं तो मेस वगैरह की फीस इतनी है, रूम फीस इतनी है, और आपको ट्यूशन फीस देखने पाएंगे तो 1,18,000 अप्रॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज। 1 AC नॉन वेज अगर आप चाहते हैं तो 1,12,400 मेस की फीस पड़ेगी ईयरली, और यहाँ पे आपको रूम की फीस देखने को पाए तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपए आपको यहाँ पे सिर्फ रूम की फीस देखने को पड़ेगी। तो एज कम्पेयर टू योर मेस एंड ट्यूशन फीस रूम की फीस बहुत ही कम है। और 1 AC स्पेशल चाहते हैं तो ये फीस है, 2 AC वेज चाहते हैं तो ये फीस है। इसको चाहते आप वीडियो पॉज करके भी इसलिए आप देख सकते हैं क्योंकि ट्यूशन फीस तो मैंने डिस्कस कर ली है। मेस फीस यहाँ पे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर कोर्स में जा रहा हूँ तो या फिर अगर ये हॉस्टल ले रहा हूँ तो ये मुझे फैसिलिटीज मिलने जा रही है इस फीस के साथ में। तो पहला जरूरी है आपका एडमिशन लेना, उसके बाद आपके हॉस्टल वगैरह फीस का तो आप आइडिया हो गया कि आपके ये एक्सपेंसेस आने वाले हैं। तो एडिशनल फीस की बात करें अगर तो कॉशन डिपॉजिशन जो कि रिफंडेबल फीस है अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए आपको यहाँ पे करने होंगे, और यहाँ पे ये 15,000 ये 1 को कंसीडर मत करिएगा लास्ट वाले में। आपको एडमिशन फीस नॉन रिफंडेबल अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपये फीस है, यहाँ भी इसको जो लास्ट में ही बने इसको कंसीडर मत करिएगा, ये 50,000 रुपीज लिखा हुआ है। स्कॉलरशिप की बात करें तो VIT EEE का एक एग्जाम होता है स्कॉलरशिप अंडर GV स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी आपको स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मेरिट अवार्ड स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगी। बेस्ट परफॉर्मिंग NRI एंड यानी नेस्ट जो आपके इंडियन स्टूडेंट या फॉरेन स्टूडेंट है उनको देकर के आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो कैंपस के अंदर स्कॉलरशिप के बहुत सारे चांसेस होते हैं, कुछ फेमस स्कॉलरशिप मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिट इन्फॉर्मेशन रही हो। अब बात करने जा रहे हैं हाउ टू टेक एडमिशन इन VIT विल्लोरे। तो VIT विल्लोरे का खुद एक पर्सनल एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि मैं आपको यहाँ बताऊंगा। रजिस्टर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यू नीड टू रजिस्टर फॉर द VIT EEE इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यू नीड टू टेक एग्जाम लाइक अ VIT MEE जस्ट लाइक अ VIT मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम और CAT GMAT फॉर द MBA प्रोग्राम। द VIT EEE इज यूजली कंडक्ट इन अप्रैल, तो आपका जो VIT एग्जाम होता है ये अप्रैल में कंडक्ट होता है। जो भी आज मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रैल में कब फॉर्म होने वाला है, उसकी वेबसाइट को आप इजिली चेकआउट कर सकते हैं। काउंसलिंग एंड सेलेक्शन बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जाम स्कोर एंड अकेडमिक परफॉर्मेंस यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर काउंसलिंग एंड सेलेक्शन। तो आपकी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ होगा उसके मेरिट बेस पे आपकी काउंसलिंग एंड सिलेक्शन बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो ये रहा कुछ एडमिशन लेने का आपके इंफॉर्मेशन, और ऐसे ही हम आगे बढ़े तो फैसिलिटीज की बात करें, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लैब योगा फैसिलिटी कैंटीन कैफेटेरिया हॉस्टल ग्रीन कैंपस प्लेसमेंट ऐसे लग्जरीज आपको ये बहुत सारी देखने को मिलेंगी। फुल पैसा वसूल तो है या नहीं है ये हम रिव्यू के अंडर स्टूडेंट के रिव्यू के अंदर जानेंगे। तो जो भी आप जान अगर ये जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एडमिशन लूँ या फिर ना लूँ, इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जो भी यहाँ के पुराने स्टूडेंट या फिर परसुइंग स्टूडेंट हो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमारे जूनियर्स का डाउट क्लियर करने में हेल्प करें। फेमस एल्बनाई फ्रॉम VIT विल्लोरे की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं शुभांगी स्वरूप इज द फर्स्ट फीमेल पायलट इन द इंडियन नेवी। पैपियस पेलिम्पा मुसाफिरी जो कि रिसर्चर एंड पॉलिटिशियन हु हैज सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन उन्होंने किया है। सोनिया नंदा इज अ
पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर इन द डिपार्टमेंट ऑफ द अर्थ एंड स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि यहाँ पे हैं। फेस्ट की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ईगरली एंटिसिपेटेड फेस्टिवल एट VIT, विल्लोरे इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। से हम VIT को विल्लोरे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से जानते हैं। इज अ रिवेरा, जो कि रिवेरा है। इट इज एन एनुअल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कार्निवल दैट टेक्स प्लेस इन फेब्रुअरी। ड्यूरेशन 4 डेज, 4 डेज की ड्यूरेशन इसकी होती है। तो इसकी हम इसको अगर हम पढ़ें तो रिवेरा, इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर आपको, आई होप मुझे अच्छे से कोई यहाँ पे स्टूडेंट बता पाए तो मुझे कमेंट करें। और 4 डेज का प्रोग्राम होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही, इसे यहाँ पे लिखा है कि एनुअल इंटरनेशनल स्पोर्ट कंसल कार्निवल टेस्ट टेक प्लेस इन फेबरी। तो बहुत इंटरेस्टिंग और ईगरली वेटेड यहाँ पे आपका ये यहाँ पे होता है कि फेस्ट। और ये फेस्ट के बारे में नहीं, चाहे तो आप इसे गूगल या यूट्यूब भी इजिली कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। और वन ऑफ द मोस्ट लास्ट टॉपिक की ओर मैं पढ़ूंगा, जो कि है प्लेसमेंट के बारे में। ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट टेक यहाँ पे 88 लाख पर एनम यहाँ का हुआ है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 9.9 लाख पर एनम का यहाँ पे हुआ है। टॉप रिक्रूटर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, DE100, पेपल, अडोबी, ऐसे बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आई हैं, जो कि आप देखने पड़े देख पाएंगे विप्रो वगैरह, इंफोसिस, IBM, HP, गूगल, इंटेल, फिलिप्स इंडिया, सिस्को सिस्टम, सैमसंग, KPMG, जो कि बहुत सारी मल्टीपल्स कंपनी यहाँ पे आई हैं। इसको आप चाहे देख सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट भी आपको मिलती है। और जैसे मैंने, कॉलेज जितना पुराना होता है नाम उतना ही ज़्यादा उसका अच्छा होता है, रैंकिंग उतनी ही अच्छी होती है। तो कॉलेज का नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है फॉर योर द प्लेसमेंट कैंप प्ले, और बाकी स्किल तो आपकी मैटर करती ही करती है। तो लास्ट टॉपिक के बारे में हम और बढ़ रहे हैं, जो कि है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द VIT विल्लोरे, जो कि है रेपुटेशन। इसकी हाईली रेपुटेटेड कॉलेज है। VIT इज नोन फॉर द एक्सीलेंट एकेडमिक्स प्रोग्राम एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कैंपस वेल इक्विप्ड विद द मॉडर्न फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ द स्टेट आर्ट लैब, लाइब्रेरीज एंड हॉस्टल। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें, VIT हैज अ स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड विद द टॉप रिक्रूटर फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। अगर इसके हम क्रॉन्स की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि VIT विल्लोरे जो है काफी लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट, यानी पुराना एस्टेब्लिशमेंट कॉलेज है। तो जो मोस्टली कंपनीज हैं उनसे उनका टाई अप बहुत ही अच्छा है। कैंपस प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपको ऑफर कर सकते हैं, बाकी कोई भी कॉलेज हो ड्रॉबैक उसमें रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ कैंपस में प्रॉब्लम जरूर होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे हम हाई फीस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लिविंग कॉस्ट यानी द ट्यूशन फीस एट VIT आर रिलेटिवली हाई एज कम्पेयर टू द अदर इंस्टीट्यूशन। अदर इंस्टीट्यूट की कंपेरिजन करें तो यहाँ की फीस काफी हाई है। लिविंग कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन एंड अराउंड विल्लोरे कैन बी एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकती है। तो आपकी एक साल की फीस कहीं ना कहीं 3 लाख पर एनम आपको देखने को पा सकते हैं, बाकी आपके कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे उसको हटा करके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अदर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूर जुड़े, जैसे लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल अदर सोशल मीडिया है, उसको आप जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय।